आखिरकार बिग बॉस के घर के अंदर किसने उठाया है मनी बैग। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस के फिनाले से जुड़ी लेटेस्ट और बड़ी अपडेट लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, क्योंकि अब फिनाले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर एक ऐसे कंटेस्टेंट ने मनी बैग उठा लिया है जिस पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस का फिनाले पूरी तरह से शुरू हो चुका है और खबरें ये आ रही हैं कि सलमान खान ने हर सीज़न की तरह मनी बैग उठाने के लिए कह दिया। टॉप 5 कंटेस्टेंट को सलमान खान ने सामने खड़ा कर दिया और ये कहा कि आप में से जो भी ये मनी बैग उठाएगा उसको ये प्राइज़ मिल जाएगा और वो बिग बॉस की ट्रॉफी से दूर हो जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, किसी और ने नहीं बल्कि मनीषा रानी ने मनी बैग को उठा लिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर बिग बॉस के घर से सामने आ रही है, जिसमें मनीषा रानी के अगर आप फैन हैं तो आप सबके लिए बुरी खबर है, क्योंकि मनीषा ने ये बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ मनीषा रानी कहीं ना कहीं, आपको बता दें कि खबरों की माने बिग बॉस सीजन 17 की पहली कन्फर्म कंटेस्टेंट भी बन चुकी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स, बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट जो बिग बॉस की बड़ी बड़ी खबरें देते हैं, कन्फर्म खबरें देते हैं, उनका कहना है कि मेकर्स ने अब मनीषा रानी को बिग बॉस 17 के लिए कन्फर्म कर लिया है और बिग बॉस 17 की फर्स्ट कन्फर्म कंटेस्टेंट मनीषा रानी बन चुकी हैं। ऐसे में आप मनीषा रानी के इस मनी बैग को उठाने के फैसले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।